नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी फोन पे चलाते हैं और दोस्तों फोन पे से किसी के भी बैंक अकाउंट पे पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन की मदद से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास उनका बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास उनका केवल मोबाइल नंबर है तो भी आप मोबाइल नंबर पर भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास केवल UPI ID है, जिस UPI ID पे करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करता हूँ, आपको बता दूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन की मदद से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। और फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा देंगे। पहला तो बोलेगा टू मोबाइल नंबर, फिर बोलेगा टू बैंक अकाउंट, तो बोलेगा टू सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर और चेक बैंक बैलेंस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको मोबाइल नंबर पे सेंड करना है तो मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको बैंक अकाउंट या UPI ID पे करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और सेल्फ अकाउंट यानी कि आपका कोई दो अकाउंट कनेक्टेड उस पर क्लिक करना है तो उस पर कर दीजिए। और बैंक बैलेंस चेक करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मैं बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेंड किया हुआ है, और ऊपर यहाँ पे आपको UPI ID आ जाती है और फिर आपको UPI नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, मेरे को बैंक अकाउंट पे सेंड करना है तो मैंने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। और नीचे आपको प्लस वाला एक बटन दिखा देता है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन से बैंक अकाउंट पे आपको पैसे ट्रांसफर करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक है, SBFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर यहाँ पे करना है तो वो वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट चूज करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको कौन जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है वो क्या है। और नीचे यहाँ पे IFSC कोड नॉट रिक्वायर्ड है, आपको डालने की जरूरत नहीं है, फोन पे एप्लीकेशन पे डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर मैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ जिस बैंक अकाउंट में मेरे को पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया, इसके बाद मैं IFSC कोड नहीं डाल रहा हूँ, देख लीजिए आप। अगर आप वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे नॉट रिक्वायर्ड होता है फोन पे में। तो ये डालने के बाद मैं नेक्स्ट वाले बटन में मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाले बटन में जब मैंने क्लिक किया तो नीचे आपको यहाँ पे वेरीफाइड होल्डर नेम आ जाता है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है। तो यहाँ पे जिनका भी अकाउंट है वो आप जो है या कंफर्म कर लीजिए कि किनका अकाउंट है। इसके बाद निक नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आप ऑप्शनल है। इसके बाद प्रोसीड टू पे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पे वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पैसे यहाँ पे सेंड किए थे। अब फॉर एग्जांपल मेरे को 100 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो मैंने 100 रुपये यहाँ पे चूज कर लिया। ठीक है दोस्तों, आपको जितने पैसे ट्रांसफर करना है, 100 रुपये ट्रांसफर करना है या 1000 रुपये ट्रांसफर करना है या 10000 रुपये ट्रांसफर करना है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। तो मेरे को 100 रुपये ट्रांसफर करना है तो मैंने 100 रुपये यहाँ पे चूज कर लिया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बताएगा कौन से बैंक अकाउंट से चूज करना है, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे चूज कर लेना। इसके बाद देखिए दोस्तों, पे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है आपका UPI पिन यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो है UPI पिन यहाँ पे डाल दिया है। UPI पिन 6 डिजिट का UPI पिन डालने के बाद, या फिर आपको आपका अगर 4 डिजिट का UPI पिन है तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने जो आपका अगर 6 डिजिट का UPI पिन है तो वो डाल दीजिए, 4 डिजिट का है तो वो डाल दीजिए। ये डालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ पे कन्फर्म हो जाती है। इसके बाद डन वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैक आएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है पैसे चेक करने के लिए, यहाँ पे नीचे आपको एक हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको आना है और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपका जो आपका आज की डेट का जो यहाँ पे हिस्ट्री जो डिटेल है, हिस्ट्री डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ऊपर यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आ जाता है और यहाँ पे आपको पेमेंट यहाँ पे आ जाता है कि कितना आपने पेमेंट यहाँ पे किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करके बैंक अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह अगर आपको UPI ID पे पैसे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे दूसरे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और UPI ID वाले बटन पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जिनके भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है उनकी UPI ID डाल देनी है। अगर उनकी SBI की UPI ID है, BOB वाली UPI ID, कौन से भी बैंक अकाउंट की UPI ID है, या फोन पे UPI ID है, गूगल पे UPI ID है, या अमेजन पे UPI ID है, पेटीएम UPI ID है, जो भी उनकी UPI ID वो यहाँ पे डाल दीजिए। एंड द नेक्स्ट वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछता है कि कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो आप UPI ID के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछेगा कि किनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है, तो मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव है, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत मदेश मुझे बोलने ना था।